Search on YouTube Agri By Manoj Sir, subscribe and press the bell icon. गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AHDP यानी कि द्विवर्षीय पशुपालन डिप्लोमा के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से, यानी फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट कौन कौन से ज़रूरत होती है, पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइज, मैंने मॉर्निंग में वीडियो बना दी थी, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फॉर्म में वो स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट क्या है और क्या क्या पूरी डिटेल बताई थी उस वीडियो के अंदर, कितने कॉलेज हैं, क्या एज लिमिट मांगी गई है, पूरा हमने डिस्कस किया था। तो अब उसके बाद में हमारा टॉपिक रह गया था कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से ज़रूरत होंगे। तो आप सभी ने काफ़ी कमेंट किए थे और पूछ रहे थे, तो सबसे पहले आप सभी को बता देता हूँ कि टेंथ क्लास की मार्कशीट, ट्वेल्थ क्लास की मार्कशीट, आपके पास में माइग्रेशन होना ज़रूरी है, ट्वेल्थ क्लास का भी वो बोर्ड के द्वारा मिल ही जाता है। अब थर्ड बात यहाँ पे होता है चरित्र प्रमाण पत्र। अब चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से मिलेगा, तो ये चरित्र प्रमाण पत्र है गाइज, आपने जिस स्कूल से किया ट्वेल्थ क्लास उस स्कूल से ही मिलेगा चरित्र प्रमाण पत्र, आपको उसी टाइम मिलता है या मिलता है जब TC कटवाते हो आप, उस टाइम मिलता है। उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हो, यानी जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। अब उसके बाद में बात करेंगे कि गाइज, आपके पास में पूरा का पूरा ये हो गया, आपका एक मेन इम्पोर्टेंट बात ये है 17 साल हो जानी ज़रूरी है, अगर आपके 17 से कम है तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। अब उसके बाद में आप जब कॉलेज अलॉट होंगे उस टाइम आपको ज़रूरत होगी हेल्थ सर्टिफिकेट की, और अगर आपके बीच में गैप है तो उस गैप का भी सर्टिफिकेट लगेगा। तो वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो जब आपकी लिस्ट आएगी फर्स्ट काउंसलिंग की उस टाइम आप सभी को बता दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल तो तीन चार डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, 10th 12th चरित्र कास्ट सर्टिफिकेट और मूल निवास होना ज़रूरी है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है और डेली की अपडेट पाना चाहते हो तो गाइज आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ताकि आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो है वो मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।